就对方发现行为。हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी ये वीडियो में गाइस, मैं टाउन हॉल 11 से वीडियो बना रहा होता। एक्चुअली वैसे यार बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, थोड़ा अलग ही फील हो रहा है, क्योंकि मैंने अब तक वीडियो जो बनाए वो 7, 8 और 9 पर ही बनाए, और ये आज फर्स्ट टाइम मैं 11 से वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे गाइस, यहाँ पर मतलब 11 से खेलने में थोड़ा मेरे को आसानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने टाउन हॉल 10 स्किप किया। आपको पता ही कि मेरा टाउन हॉल 9 तक मेरे आईडीज है, 9, 8 और 9 से ज़्यादातर मैं खेलता हूँ। लेकिन मैं इस टी एच 11 को फार्म करना चाहता था, थोड़ा फार्मिंग भी हो जाए, थोड़ा मन कर रहा है। तो वैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे अटैक्स किए, जो मेरे को आर्मी तो कोई अच्छी लग नहीं रही थी। तो मैंने, आपको पता ही गॉबलिन्स जो है वो बेस्ट होते हैं लूट चुराने के लिए, मैं बस कलेक्टर्स ढूंढ रहा हूँ, कलेक्टर्स और गोल्ड माइन, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी लूट मिल रही है। गॉबलिन लवर्स यार, आपको भी पता है कि यार गॉबलिन्स कितने मतलब इफेक्टिव है, मतलब इसके लिए लूट के लिए। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे अटैक जो किए सारे ऑलमोस्ट गॉबलिन्स और जायंट्स यूज़ किया और वॉल ब्रेकर्स। तो मेरे को यार मतलब मैं पूरी आर्मी ले जाके यार मतलब कुछ मतलब नहीं था, जबकि मेरे को सिर्फ गॉबलिन से ही लूट मिल रही थी। मेरे को आप लोग बताना कि गाइस, मैं यहाँ पर क्या अभी नेक्स्ट अपग्रेड्स में अपने बेस पर क्या करूँ। यहाँ पे आप मेरी पहली प्रोफाइल देख लो, आप मेरे ट्रूप्स देख लो, क्योंकि मेरे को खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आपसे हेल्प चाहिए। और मेरे को तो यार उससे पहले तो यार एक फार्मिंग के लिए अच्छा बेस चाहिए यार। मैं बहुत घूम रहा था इधर उधर, मेरे को बेस ही नहीं मिल रहा था। मैंने क्या बोलते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक डाल दिया है इस अकाउंट का, तो आप लोग मेरे को इन्वाइट कर देना, मैं आऊँगा कॉपी करने के लिए टी एच 11 का ऐसा बेस जो मतलब ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो किसी को लूट लेने के लिए। उसको मतलब ऑलमोस्ट पूरी आर्मी डालनी पड़ेगी ऐसा कोई बेस। तो ये वाला बेस तो मतलब टी एच 10 तो मैक्स है। तो अभी मैंने कल अटैक्स किए बहुत सारे, और मेरे को अपग्रेड करना है सीसी, तो वो सीसी मैं यहाँ पे अपग्रेड कर दूंगा 90 लाख, जिसको लगेंगे अपग्रेड टू लेवल 7 करते हैं, जिसको 10 दिन लगेंगे। तो चलो, यहाँ पे मैंने डाल दिया सीसी, आपको पता ही कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैंने सीसी यहाँ पे डाल दी है। और बाकी सारे ट्रूप्स जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मतलब हीरोज के लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं, 40 के हैं, 40 की क्वीन है और 37 का किंग है, और ग्रैंड वार्डन भी है लेवल 7 का, तो मेरे को वो भी अपग्रेड करना है। तो वैसे आप लोग ने मेरा बेस तो पूरा देख लिया होगा, तो मुझे आप लोग बताना, सजेस्ट करना कौन सी आर्मी बेस्ट है इसके लिए, लूट के लिए, मतलब जिसमें सब कुछ मिल जाए, गोल्ड एलिक्सर, डार्क एलिक्सर। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ज़रूर, ठीक है? मुझे हेल्प चाहिए आपसे, और मुझे बेस यार किसी के पास हो तो आप प्लीज़ इन्वाइट करो, मैं आ जाऊँगा ज़रूर कॉपी करने के लिए, ठीक है? ईगल आर्टिलरी तो अब तक मैंने नहीं लगाई है, तो वो तो मैं बाद में लगा ही दूंगा, उसका कुछ इतना ये नहीं है, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे ईगल आर्टिलरी बची है, जिसको 7 डेज लगता है यार अपग्रेड करने के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा है। अपने पास देखते क्या क्या बुक्स वगैरह क्या क्या है यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे मैजिक आइटम्स ऑलरेडी पड़े हैं यार। मेरे को अभी मतलब बहुत इंपॉर्टेंस लग रहा है ये सब की, मुझे अभी पता चल रहा है कि यार ये सब कितना ज़रूरी है। तो ये देखो, यहाँ पे मेरे पास बुक ऑफ फाइटिंग है, ये बुक ऑफ बिल्डिंग, ये रही बुक ऑफ बिल्डिंग, यार इसकी बहुत ज़रूरत है, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा, देखते हैं। बुक ऑफ एवरीथिंग भी है यार, और मेरे पास यहाँ पे इसमें भी मिल जाएंगे अगर मैं ज़्यादातर ये करूँगा तो, ठीक है? देखते हैं और कौन से बुक्स है या नहीं यार, ज़्यादातर गोल्ड पास के लिए ये सिर्फ बुक ऑफ हीरोज है, वो भी लास्ट में है, तो मेरे को लगता नहीं कि मैं 12 दिनों में कुछ कर पाऊँगा अभी गाइस। वैसे अभी चलते हैं अपन टाउन हॉल 9 में, तो उसमें अपन देखते हैं क्या हालचाल वहाँ पर पड़े हुए टी एच 9 के अकाउंट में। तो वैसे आपको ही पता ही है गाइस, अभी मतलब ब्लू स्काइज जो है वो अपडेट आने वाला है, तो उसके बाद जो है पुशिंग पर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सबको बात पता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना ये जो टाउन हॉल 9 का जो आईडी है, इसको मैं टाउन हॉल 10 करूँ, क्योंकि फिर पुशिंग तो नहीं हो पाएगी, तो फिर यूज़लेस है। तो उसके बाद मैं मतलब कोई टाउन हॉल स्कीप नहीं होगा, मैं 9, 10, 11 ऐसे मैं खेल पाऊँगा, उसके बाद 12 तक भी। तो आए मतलब देखते कि क्या होगा, मतलब ऐसे मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करने के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ क्या, और टाउन हॉल 11 के बारे में तो मुझे आप बता देना, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और कमेंट कर दो गाइस, कमेंट करो, ठीक है? बेस वगैरह एंड ऑल, आर्मी कोई अच्छी जो मैं इससे अटैक कर सकूँ, मतलब इसके लिए लूट के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, और बाय बाय गाइस।